रुपए का नुकसान नहीं हुआ, उसने अपनी गाड़ी है खुद शीशे फोड़ के, ये बोले किसान ने मेरी गाड़ी शीशे फोड़ दिए। दो दिन से आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें दिल्ली के अंदर जो किसान है, जो नौजवान है, वो देसी पत्रकार धर्मों के साथ जो तीखी बहस आपने देखी, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये क्या मामला था, किस प्रकार क्यों हुआ, तो वही हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार इन्होंने क्यों विरोध किया और क्यों उनके साथ जो है बहस की। तो भाई साहब आप बताएं, जैसे दिल्ली में आप लगातार जा रहे हैं, कल भी जाने वाले हैं, तो जैसे देसी पत्रकार के नाम से जो धर्म है, आपकी तिखी बहस हुई वहाँ पर, तो क्या मामला था वो? सबसे पहले तो भाई सारा दर्शकों ने, सारा गांव ने, सब सारे किसान भाई ने राम राम। भाई साहब मामला था यू देसी पत्रकारिता का नाम पर जो उसने खेल कर रखे नहीं, पूरा आंदोलन में किसी का एक रुपये का नुकसान नहीं हुआ, उसने अपनी गाड़ी है खुद शीशे फोड़ के, ये बोले भाई किसानों ने मेरी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, किसान के तेरी गाड़ी के शीशे फोड़ने खतर जा रहे थे, और बहुत सरकारी वाहन भी खड़े हैं और भी मतलब लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये पब्लिसिटी पाने खातर जो किसान ना सिर पर मंडा नहीं, इस बात तब हमने एलर्जी थी। दूसरी बात, किसानों की नीतियों को गलत बता रहा था 26 तारीख तक पहला, हाँ गलत, जब किसान जमीनी सतर से खड़े होने लग रहे थे कहीं नहीं दिखे, जहाँ उनको पता चल गया लाखों की तादाद में किसान है, पूरा मीडिया इसमें दिखाने में लग गया, उस टाइम पहुँचे हैं, पहले कहाँ थे भाई, आप भी किसान के पुत्र हो, जमीनी सतर पर आपने पता है क्या चल रहा है, पहले दिखाते सरकार को वार्न करते, आप नागरिकों की आवाज़ हो ना कि किसानों की। अच्छा, वो जैसे बहस चल रही थी वो बार बार धर्म पत्रा ये कह रहा था भाई एक प्रोपगंडा है, तो कोई प्रोपगंडा तो नहीं था भाई किसी ने आपको कहा हो ऐसा? भाई साहब प्रोपगंडा मेरे गांव से 30-40 ट्रालियां जा रही है, मेरे बुजुर्ग कृष्ण प्रधान बंदा जो मतलब कैला रामफल गगड़ उन वो सारे इकट्ठे हो गए, गाँव पूरा गांव इकट्ठा किया, उन्होंने बोला भाई नौजवानों की जरूरत है, तो हम सारा भाईचारा हमारा नौजवान गांव से उनके साथ गए, उन्होंने जो हमारे कहा उनसे ना बाहर हुए, उन्होंने जो हमारे से कहा उनकी हम दिखाए हुए मार्ग पर चले हैं, वह सेवा करी है। उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा खुद प्यासे रह जाना, लेकिन जो हमारे भाई है किसान है उनको पहले, खुद से पहले उनको देखना, और यही हुआ, पूरे गांव से 20 मन दूध, 14 मन दूध, 8 मन दूध, ऐसे मतलब रोज पूरा गांव से होकर जान लग रहा है, और वो पूरा हम नौजवान है जो वो हम मतलब जो भी किसान हमारे जो टेंट है जो शिविर है उनमें दे के आने लग रहे हैं सेवा। भाई अगर यू प्रोपगंडा है नहीं तो प्रोपगंडा है, और अगर आप इसको सेवा मान रहे हो तो सेवा भाई। जी भाई साहब, और भी हमारे साथ है, आप भी थे भाई साहब, आपकी भी जैसे वीडियो आ रही थी, आप भी उनको मतलब काफ़ी तिखी नोकझोंक कर रहे थे, क्या कारण है? ऐसा भाई साहब देखो, पहले तो सभी को राम राम, वहाँ पे हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, वीडियो उन्होंने खुद ने बनाई है, उससे पहले मैं शुरू के दिन से वहाँ हूँ, 27 तारीख को सुबह मैं वहाँ पहुँच गया था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पे एक मीडिया गैलरी है, हमने आज तक वालों को भी ऐसे ही बहिष्कार किया, जी न्यूज़ वालों का किया, जो भी का चैनल है रिपब्लिक भारत का भी किया, हमने उनको सबको बोल दिया कि भाई TRP के चक्कर में आगे मत आना, बैरिकेड से पीछे रहना, वो मीडिया गैलरी के अंदर खड़े होकर अपनी कवरेज कर रहे हैं, ये क्यों TRP के लिए आ गया रहा है, हमने इसको यही बोला था कि जो पत्रकार बिका हुआ है इसका सारे पूरे हरियाणा को नहीं पूरे देश को पता है जो बिका हुआ है, इसलिए हमने उनको पहले कई बार वार्निंग दे चुके थे कि आप मीडिया गैलरी से हमारी तरफ मत आइए, आप हमारे सहयोगी नहीं हो, आप सरकार के सहयोगी हैं, और वो बार बार वहाँ TRP के लिए वहाँ घूम रहे थे, इसलिए उनके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है, उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ा के देश के सामने पेश किया है। एक बात और भाई साहब, ये जो देसी रोड है ना, जो वीडियो वो शुरू में देख लो, उसने दिखाया बोलिया आज तो भाई गजब हो गए, धर्मू ने धर्मू बोल गया, वो हमारे टेंट के हमारा जो जत्था था उसके पास की बात हम देखने लग रहे थे, पहले उन्होंने पूरा आपकी सेटलमेंट करी है, सवालों की बात हमारे सामने हुई है, धर्मू जी वो धर्मू का कुंबा का जो पहले मतलब आप सुन रहे थे पहले कर रहे ये सवाल पूछ खाना बनाने लग रहे थे जी, हम हमारे मतलब बड़े लीडर जो है बड़े हमारे है कृष्ण प्रधान जी और जो काला है प्रदीप काला वो भी साथ था वीडियो में, वो भी वहीं थे, वो सारे सुन रहे थे, उन्होंने हमने पहले देखा वो पूरा मतलब उन्होंने सेटलमेंट की सवालों की हम ये पूछेंगे, आगे सवाल बता दूं आपको मैं, वो पूछने वाले थे आप आयो जी आपका सहयोग हमारे जो वो है उसमें नाटक में कबूतरी है आप अपना काम छोड़ के, वो भी लड़कियां थी आप आयो जी ये हम खाना बने, ये सारी बातें होनी थी, वो हमने उनका बहिष्कार इसीलिए किया कि पत्रकारिता होती है अचानक, अब आप भी पोस्ट को तो ले भाई आज मिल गए, लेकिन नहीं आपने ये जो तरीका है ना भाई पत्रकारिता नागरिकों के लिए, नागरिकों के हिसाब से करो, पैसे के लिए पैसे लेके रेड करनी ये करना पब्लिसिटी करनी किसी भी आदमी को ऐसे ही फेम दिखाना ये सबसे बड़ी गलत बात है, इसके खिलाफ हाँ पत्रकारों ने हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, और भी पत्रकार थे उनका इंटरव्यू भी दिया है, उनका खाना भी खिलाया पानी पिलाया चाय पिलाया जो हमारे से उसके हमने किया, लेकिन जो दलाल पत्रकार है जी न्यूज है
आज तक है, रिपब्लिक टीवी है, टीवी इन्होंने बरसा है, और ये देसी पत्रकारिता में ये है, इनकी ये जो दादागिरी हो रही है ना, चार आदमियों को आगे रखना, ये नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमने दोबारा से एक आंदोलन खड़ा करना पड़े जो, लेकिन ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा। आम नागरिक की आवाज़ उठाओ, हम साथ हैं, जो हमारे से बन पड़ेगा हम वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही वो नौजवान थे जो यहाँ पर, तो आपका क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई युवा कहना अपना, और जितने भी आदमी थे नहीं, सारे उनका विरोध है, कोई भी उन्हें देख कर राजी को नहीं, मामे मामे को नहीं, सारे उनका विरोध कर रहे थे। यो पत्रकार हरियाणा का पहला ऐसा पत्रकार है जिसने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में धर्म के नाम पर आग लगाने की भी कोशिश की इसने सरकार के इशारे पे। जैसे मैम के अंदर देखा नहीं आपने, किसी अपने लुहार का नाम लेके बोल रहा था कि इस लुहार के ग्रह इतने मोमडन रुके हुए, मोमडन हमारे भाई कहाँ जाएंगे, वो देश से बाहर हमारे पास ही रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान इसने हरियाणा में धर्म के नाम पे भी आग लगाने की कोशिश की है, इसलिए हम इससे दुखी थे, इससे परेशान थे, इसकी बातों से परेशान थे। ये राजनीति करता है, ये राजनीति पैसे पैसा लेके रेड मारता है, सारा कुछ पैसे आ गए, मैं इसलिए हम इसके खिलाफ थे, इसके साथ नोकझोंक हुई है, हमारा पर्सनल कोई इशू नहीं था, और हमने इसको मना किया था कि टीआरपी के चक्कर में किसानों के पास न मत आ। दो महीने से हम यहाँ पे धरने बैठे थे गोपाल डाणी सांचला में, वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा ये? अभी इसको देख, इसने देख लिया कि यहाँ पे अच्छी वीडियो बनेगी, टीआरपी अच्छी मिलेगी, इसलिए वहाँ पहुँच गया। हम यही कहना चाहते हैं, हमारा उससे कोई पर्सनल नहीं है, ना ही था और ना ही आगे रहेगा, सिर्फ वो अपनी गंदी पत्रकारिता, जो बिकाऊ पत्रकारिता, उसको छोड़ के सही तरीके से पत्रकारिता करेगा तो हम उसका सहयोग भी करेंगे। किसान आंदोलन के खिलाफ चलेगा तो हमारा पर्सनल होगा ये, ऐसा भाई साहब, हम किसान के पुत्र हैं भाई साहब, हम आगे इसका विरोध करेंगे। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ना कांग्रेस का, ना भाजपा, ना हमने किसी पार्टी का कोई मतलब, ये किसान आंदोलन है, किसान के हकों की आवाजों के लिए है, और हम सब उनके साथ खड़े हैं, ना किसी पार्टी से कोई मतलब, ना किसी पार्टी से हम वो घुसने देंगे राजनीतिक आदमी को। ये जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को हम नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन है, जो किसान हमारे आगे लग के किसानों की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, हम उनके साथ हैं, जो वो कहेंगे उनका हुक्म सर माथों पे। जी भाई, उमर खालिद तक का नाम लिया हमारे को धमकाने के लिए, भाई गवाह, उमर खालिद तक का नाम लिया, वो लड़का था सोनीपत का, ये वो, मतलब उसने धमकी भी दी हमारे को, ये इतने भाई गवाह है उस चीज के, मतलब ये पत्रकारिता का रूल नहीं है कि पत्रकारिता नहीं, पत्रकार ने सुननी भी पड़ेगी अगर गलत है तो, और हमारा हक आवाज़ छोड़ का, जो अगर हमने नहीं अच्छा लगा हमने आवाज़ उठाई और आगे भी उठाए भाई जी। तो आपने देखा, तो ये पूरा मामला ये था जैसे आपने सुन लिया, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि जो ये भाई लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, और उधर से जो देसी पत्रकार मुँह है वो कह रहे थे कि जो मतलब प्रोपगंडा है, लेकिन हमने आपको इनसे रूबरू करवाया है, आगे का फैसला आप खुद कर लीजिए।